हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। और दोस्तों, आज मैं हूँ नोएडा इन द ब्यूटीफुल जेपी ग्रीन्स रिजॉर्ट। एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने मैं यहाँ आया हूँ, और मुझे लगा नहीं था कि आज मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बट मुझे लगा कि व्यू बहुत सुंदर है और कुछ एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है आज कि मुझे लगा कि मुझे ये एक वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको व्यू दिखाऊँ मेरी बालकनी से। मेरी गंजी टांट भी दिख रही होगी आपको व्यू के साथ, लेकिन आप देखें शानदार गोल्फ कोर्स जहाँ पे मैं रुका हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, अभी अभी एक डेवलपमेंट आया है कि ट्विटर पे हमने पढ़ा, ओलिवियर जिरू इज़ लीविंग चेल्सी एंड ही हैज़ लेफ्ट चेल्सी, ही हैज़ जॉइंड एसी मिलान ऑन अ 2 ईयर डील। तो ओलिवियर जिरू के लिए कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों, 2018 के जनवरी में ओलिवियर जिरू जॉइंड चेल्सी फ्रॉम आर्सेनल। एक 3-way मैरिगो राउंड हुआ था अगर आपको याद हो, तो मिची बैट्शुआई वेंट फ्रॉम चेल्सी टू डॉटमंड, ओबामियांग केम फ्रॉम डॉटमंड टू आर्सेनल एंड जिरू केम फ्रॉम आर्सेनल टू चेल्सी। इट वॉज अ टर्बुलेंट टाइम एट द क्लब। एंटोनियो कॉन्टे का सेकेंड सीजन था, वी वर नॉट परफॉर्मिंग पर्टिकुलरली वेल, वी वर 5th इन द लीग, बट वी एंडेड अप विनिंग एन एफ ए कप। और जिरू ने आते ही अपना क्लास दिखाया था दोस्तों। इफ़ यू रिमेंबर साउथहैम्पटन के अगेंस्ट वी वर लूजिंग 2-0, 3-2 हम इवेंचुअली वो मैच जीते थैंक्स टू 2 goals फ्रॉम जिरू। फिर अगेन एफ ए कप सेमीफाइनल में जिरू का शानदार गोल था, इन द फाइनल ऑल्सो ही प्लेड रियली वेल। और उसके बाद हमने देखा कि मोरिजियो सारी आए, तो हिग्वाइन भी आए उनके साथ साथ क्लब में। हिग्वाइन को इनिशियली बहुत चांसेस मिले, मोराटा क्लिक नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, और उस सीज़न यूरोपा लीग में ही एंडेड अप एज द टॉप स्कोरर फॉर चेल्सी। और उस साल यूरोपा लीग फाइनल में भी उनका शानदार परफॉर्मेंस, एक गोल मारा, एक पेनल्टी जीती और एक असिस्ट भी किया। तो ये हमेशा दिक्कत रही है ओलिवियर जिरू के साथ, काफ़ी मिसअंडरस्टूड रहे हैं। फिर हमको लगा कि ही विल बी अर मेन स्ट्राइकर, जब कोई प्लेयर आया नहीं, ट्रांसफ़र विंडो पे बैन था हमारा, कोई मैनेजर आने को रेडी नहीं था। फ्रैंक लैम्पार्ड केम इन, जिरू को चांस नहीं मिला। टैमी स्टार्टेड मोस्ट ऑफ द गेम्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दैट सीजन। आई स्टिल रिमेंबर जिरू स्कोर्ड अ वेरी क्रूशल गोल, अ वेरी गुड गोल इन द सुपर कप अगेंस्ट लिवरपूल, यूएफए सुपर कप जो हुआ था। और उसके बाद जनवरी तक वी सॉ कि टैमी वॉज गिवन द प्रेफरेंस। उसके बाद जनवरी में जब पहला मैच जिरू को दिया गया चांस अगेंस्ट स्पर्स, ही अगेन डिलीवर्ड, ही स्कोर्ड दैट गोल। फिर पेंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद जब सीजन स्टार्ट हुआ तो अलॉन्ग विद पुलिसिक विलियन, जिरू वॉज अर मेन प्लेयर, अर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हु कैरीड अस टू द टॉप फॉर दैट सीजन। एंड हु कैन फॉरगेट हिज 4 goals अगेंस्ट सिविया इन द चैम्पियंस लीग, एक गेम में 4 goal मारे एंड हिज लास्ट मिनट विनर अगेंस्ट रेन। और इस सीजन भी जब स्ट्राइकर सिचुएशन क्लिक नहीं कर रही थी अंडर थॉमस टूकल, तो वी सॉ जिरू वॉज गिवन द चांसेस एंड अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड वी ऑल नो वॉट ही डिड। और पर कभी ना कभी जिरू को इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया, बहुत ज़्यादा एक फॉल्स परसेप्शन की शायद ही इज़ नॉट द राइट मैन टू लीड द लाइन। आई वुड हैव लव्ड कि अगर जिरू को एक प्रोलॉन्ग रन मिलता, थोड़ा सा उनको एक लंबा स्पेल मिलता मैचेस का, अराउंड 10-15 मैचेस, तो डेफिनेटली ही वुड हैव स्कोर्ड 15-20 गोल्स ईजिली। बट यही होता है जब यू आर कंसिडर्ड एज अ बैकअप स्ट्राइकर, आप एज अ बैकअप आ रहे हैं किसी बड़े नाम के लिए। आई स्टिल रिमेंबर ही वॉज ब्रॉट इन एज अ बैकअप टू मोराटा, और वो परसेप्शन में ही रह गया जिरू का जो करियर था। एंड इन आर्सेनल ऑल्सो ही वॉज नॉट गिवन द क्रेडिट दैट ही डिजर्व, ही इज़ एन एब्सोल्यूट वॉट यू से सेल्फलेस प्लेयर। फ्रांस के लिए भी जब जब उनको कॉल अप दिया गया ही हैज़ डिलीवर्ड। अनफॉर्चुनेटली इस बार फॉर जिरू बेंजीमा वॉज गिवन द प्रेफरेंस ओवर हिम, बट वी ऑल रिमेंबर इन द वर्ल्ड कप हाउ क्रूशल ही वॉज, हिज लिंकअप प्ले विद एम्बापे वॉज एब्सोल्यूटली मैग्निफिसेंट फॉर फ्रांस। मैं कहूँगा कि जितना क्रेडिट मिलना चाहिए जिरू को उतना मिला नहीं, और यही मुझे कहीं ना कहीं दुख रहेगा। फॉर मी ही विल ऑलवेज बी अ चेल्सी लेजेंड, हमेशा क्रूशल मैचेस में गोल मारा है। यू कुड ऑलवेज काउंट अपॉन जिरू। इस सीज़न में मुझे एक मैच में याद है कि अगेंस्ट न्यू कासल ही केम ऑन एज अ अर्ली सब्सटीट्यूट इन द फर्स्ट हाफ एंड एज सून एज ही केम ऑन टू द पिच ही ब्रोक द डेड लॉक, पहला गोल मार दिया उन्होंने। ऐसा बहुत बार किया जिरू ने, और आई थिंक बहुत सारे लोग उनको शायद क्रेडिट उतना देते नहीं है, बट ही विल बी रिमेंबर्ड एज द मोस्ट रिलायबल प्लेयर फ्रॉम द बेंच, अंडर रेटेड स्ट्राइकर, अ चेल्सी लेजेंड। I want to thank Oliver Giroud for whatever he has done for Chelsea. I hope he has good couple of years at Milan and whatever time he has left in his career. Thank you Giroud for your service for Chelsea Football Club. You will be missed.
एंड यू विल बी रिमेम्बर्ड एज अ चेल्सी लेजेंड फॉर एवर. तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दिस हार्ट फेल्ट वीडियो, थोड़ा अनस्क्रिप्टेड, थोड़ा अनफिल्टर्ड, और मुझे ये करना था बिकॉज ओलिवर जीरू डिजर्व्स ऑल द प्लॉडिट्स एंड व्हाट मोर कैन आई से. थोड़ा सा दुख हो रहा है जीरू को जाते हुए देख के, बट आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड वी स्टार्ट लुकिंग एट दी अदर ऑप्शंस नाउ. तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे. अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होता तो डेफिनेटली आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो. जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई.